अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। शेफ एंड स्टाफ में आपको वेलकम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कीमे वाले नान। तो कीमे वाले नान बनाने के लिए मैंने 1 kg जो है वो ऑल पर्पज फ्लोर ली है, मैदा। इसमें मैं डालूंगी 2 tablespoons ईस्ट और 1 tablespoon इसमें मैं डालूंगी 1 teaspoon सॉरी सॉल्ट। 1 teaspoon से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। सॉल्ट डालूंगी और मिल्क लेंगे हम। पानी है मेरे पास और ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आटा मैंने आपको वैसे पहले भी नान का जो है बनाने के लिए बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन जो है तो फिर बता देती हूँ। आप कम भी आटा गूंद सकते हैं। 1/2 kg लें तो 1 tablespoon जो है वो आप इसके अंदर पानी वो ऐड कर दें। और ये मैंने लिया है ऑलिव ऑयल 250 ग्राम। देखेंगे हम कितना इसमें डालना है। 250 ml मैंने लिया है ऑयल। तो सॉरी मेरे मुंह से ग्राम निकल गया। तो अगर इस तरह से कुछ हो जाए तो आप नीचे आप देख लिया करें, क्योंकि सारा लिखा होता है, क्योंकि गलतियां तो हो जाती हैं बंदे से। तो देखिए मैंने तकरीबन सारा ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा मैंने रखा है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने डो को, ये मेरे पास वार्म वाटर है, इसके साथ मैं आटे को गूंद लूंगी प्रॉपर जैसा हम गूंदते हैं, बहुत सख्त ना बहुत नरम। ये जो मैंने आटा गूंद लिया, ये मैंने 250 ml जो मैंने मिल्क पैक यूज़ किया है। और पानी जो है ये देखें कितना मेरा बच गया है, 400 ml जो है वो मेरा लगा है और बाकी बच गया। ऑयल था, दूध था, सॉल्ट और ईस्ट। और अब हम इसको एयर टाइट में बंद कर देंगे 1.5-2 घंटे के लिए। हाँ जी, तो आटा जो है हमने वो रख दिया गूंद के। और कीमा लिया, कीमे वाले नान के लिए हमने लगा ले 300 ग्राम मैंने कीमा लिया। और इसमें जो जो चीज़ें जानी है वो आप देख लें। मैंने वाइट पेपर लिया है 1 teaspoon, ब्लैक पेपर लिया है 1 teaspoon, गरम मसाला लिया 1 teaspoon, सूखा धनिया लिया 1 teaspoon और 1 teaspoon मैंने लिया है सॉल्ट। ये सारा कुछ हम डाल देंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया मैंने 1 tablespoon, ग्रीन चिली लिया मैंने तकरीबन 12 के करीब। देखते हैं, थोड़ी सी रख लेते हैं, ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो आप समझ लें ये 10 ग्रीन चिली अंदर चलेगी। 2 मैंने प्याज चॉप किए हैं नॉर्मल साइज़ के, ये भी हम देखते हैं क्योंकि कीमे की क्वांटिटी कम है। तो इसमें आप लगा लें 1.5 जो है वो प्याज अंदर डल गया। अब हम इसको प्रॉपरली जो है वो मिक्स कर लेंगे। के अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, ये पहले हम सारा मिक्स कर लें। मेरा ख्याल है ये भी हम डाल देते हैं अंदर। 2 छोटे साइज के प्याज जो हैं वो अंदर चले गए। ग्रीन चिली भी डाल देते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है, तो ये ठीक है। यानी 12 के करीब ग्रीन चिली, 2 छोटे साइज के प्याज, सूखा धनिया, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, वाइट पेपर और सॉल्ट।
और धनिया, ग्रीन धनिया, ये सब चीज़ों को मैं धनिया डालती हूँ अंदर जी। तो ये मेरे पास फ्रोजन धनिया था जो मैंने अंदर ऐड कर दिया है। आप कम डालना चाहते हो आप कम डाल दो, ये क्वांटिटी आप पे, आप ज़्यादा डालना चाहते हो आप ज़्यादा डाल दो। इसको हम बना के तब तक वेट करेंगे जब तक के नान हम सॉरी जो आटा है वो हमारा राइस नहीं हो जाता, उसके बाद फिर हम नान कीमे वाले बनाना शुरू करेंगे। तो आटा जो है वो हमारा राइस हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त। तो मैंने इससे ज़्यादा गूंद लिया कि फिर काम आ जाएगा। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी कि मैंने रेड चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने पहले सॉल्ट डाला था और 1 टीस्पून मैंने सॉरी हाफ टी स्पून मैंने दोबारा डाला है ताकि कीमा जो फीका ना रहे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर कीमे के नान की तैयारी करते हैं। ओके जी, ये मैंने दोनों सेम साइज के पेड़े लिए हैं, ठीक है, इनको हम बेल लेंगे और फिर इसके अंदर जो है हम कीमे की फिलिंग करेंगे। ये मैंने तिल लिए हैं और ये मैंने ऑयल लिया है, तो इस तरह से हम बेल लेंगे फिर इसकी हम फिलिंग करते हैं जी। तो ये देखें, ये मैंने ये पेड़े कर लिए, अब ये हम लगा देंगे हल्का हल्का ऑयल और इसके साथ जो है हम कीमे की फिलिंग करेंगे। कीमा आप पे डिपेंड है, आप जितना मर्जी इसमें आप इसकी फिलिंग करें, आप कम करना चाहते हो आप कम करो, आप ज़्यादा करना चाहते हो आप ज़्यादा कर लो, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको हम प्रॉपरली इस तरह बंद कर लेंगे। अब हम इसको हल्का हल्का सा बेल लेंगे जी। ये देखिए, तो ये हमने बेल लिया, अब इसके ऊपर जो है मैं ये ऑयलिंग करूंगी, जो हमने ऑयल लिया था इस तरह से हम सारा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे तिल। फिर हम जो है वो नाइफ लेंगे और नाइफ के साथ हम इसको, मैं आपको दिखाती हूँ, हम इसका नाइफ लेके हम इसको हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे। ओके, कीमा जो है वो पूरी साइडों पे होना चाहिए। ये मैंने एक ट्रे लिया है, ट्रे के अंदर जो है मैं ऑयल डालूंगी थोड़ा सा और इसको हम ब्रशिंग कर लेंगे ऑयल को, ट्रे को, ट्रे को मैंने ऑयल डाल के इसको ब्रश कर लिया है ताकि ये साइड नीचे से नहीं लगे। अब हम इसको ट्रे के अंदर रख देंगे। ये देखिए जी, इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल छिड़क दिया ताकि ये बड़ा क्रिस्पी सा और बहुत मज़े का जो है वो नान हमारा रेडी हो जाए। अब मैंने जो है ओवन को प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है, हम उसके अंदर इसको रखते हैं जी। अब हम इसे 180 टेम्परेचर पे हम इसको तकरीबन 10 to 15 minutes हम इसको ओवन में रख देंगे और उसके बाद जो है हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं जी। तो हम देखते हैं कि नान की क्या पोजीशन है। नान अभी थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, हम इसको दोबारा रखेंगे, एक दफ़ा फिर भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन अभी मज़ीद हम और करेंगे इसको। और मैंने एक और नान अंदर डाला है ताकि साथ साथ हो जाए। हम दोबारा चेक करते हैं उसको और ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये नान हो गया है। अब हम अपना अगला नान जो है वो इसमें डालते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने चीज़ डाली दूसरे वाले कीमे वाले नान में और ये ऊपर जो है हम इसके कीमा डाल देंगे। मोज़रेला चीज़ डाली है मैंने। इस तरह से हम अब इसको इसके साथ जो है बंद कर देंगे
और फिर इसकी रोटी बना लेंगे जैसा पहले हमने वैसे कर लेंगे जी। ये देखे तो मैंने जो है ये तिल लगाए, फिर मैंने जो है मेरे पास धनिया था वो लगाया मैंने ऊपर, अंदर जो है कीमा और मोज़रेला चीज़ है इस तरह से। तो अब मैं इसके ऊपर से वो कट लगाऊंगी जैसा पहले लगाए थे, इससे कीमा बड़ा ज़बरदस्त सा अंदर से जो है वो पक जाएगा। ये मैं कच्चे कीमे के क्योंकि बना रही हूँ और ये बहुत मज़े के बनेंगे। आप ये ईद पे जो ईद स्पेशल है कीमा कीमे वाला नान, तो आप इसको ईद पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैंने अगेन जो है वो मैंने ब्रशिंग करके ट्रे रख दी, अब इसके अंदर मैं लगाती हूँ। हाँ जी, तो हम अपना कीमा चीज़ी नान जो है वो चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। हाँ जी, तो हमारा ये कीमे वाला नान रेडी है, अब हम इसके जो है वो स्लाइसेस करके आपको दिखाते हैं। एक अंदर से भी कीमा कितना ज़बरदस्त जो है वो हो चुका है। हाँ जी, तो हमारे जो कीमे वाले नान हैं वो रेडी हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त अंदर से कीमा भी और ये चीज़ भी ज़बरदस्त किस्म की रेडी है। आप इसको बनाकर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।